अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं? और मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक मेरे सभी सुनने वालों को हमेशा शाद और आबाद रखे, आमीन। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर किया लखनऊ से इमरान शाह ने, जिन्होंने हमारे साथ घोड़े वाली स्टोरी शेयर की थी। उन्होंने बताया कि ये भी स्टोरी इंडिया के, जब इंडिया और पाकिस्तान एक था, ये स्टोरी तब की है। वो कहते हैं कि उधर एक अल्लाह वाले का दरबार था और उस दरबार पे एक देव का बसेरा था। देव इतना ख़तरनाक था कि लोगों को क्या, उनके घरों में जो जो चीज़ होती थी उसको खा जाता था, और जो भी लोगों के घर में मवेशी वगैरह बांधे होते थे उनको खाना शुरू कर दिया था उसने। अचानक से वो देव कहाँ से आया कोई नहीं जानता था। कोई भी रात के टाइम दरबार के पास से गुजरता था तो वो देव उसको शदीद ख़तरा देता था, यहाँ तक के जान से मार देता था। लोगों में बहुत खौफो हरास पैदा हो गया। उन्होंने तब एक अल्लाह वाले को उधर बुलाया। बहुत पहुँचे हुए अल्लाह वाले थे और वो उस देव से मुखातिब हुए। इमरान बताते हैं कि जब वो उस देव से मुखातिब हुए तो जो अंधेरी चली वो पूरे गांव से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गांव वाले उस अंधेरी की लपेट में इस तरह आए कि सबके बुरे हाल हो गए। उस देव ने हम कलाम होकर बताया कि ये जो बुज़ुर्ग इधर जिनकी तदफीन हुई है, मैं इनके साथ इनके कब्ज़े में था और अब मैं इधर ही रहूँगा। जिस पे उन अल्लाह वालों ने कहा कि नहीं, तुम्हारा इधर रहना इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक है, तुम्हें इधर से जाना होगा। तो उस देव ने कहा, अगर तुम मुझे इधर से भेज भी दोगे तो मैं इस गांव को मलिया मेट कर दूँगा। बेहतर है कि अगर तुम मुझे कैद भी करोगे तो ये पास एक करीब में दरख्त है, उस दरख्त के पास मुझे कैद कर दो, मैं वहाँ ही रहूँगा और अपने लिए कुछ ना कुछ हिस्सा गाँव वालों से रोज़ लिया करूँगा। अल्लाह वाले ने बहुत मुश्किल से, देव एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि जिन चुड़ैल भूतने ऐसी जो मखलूक है उन सबसे बड़ी होती है, उन्होंने उसको कहा कि अब तुम्हें इधर कैद होना होगा। उस देव ने उनसे कहा कि मुझे 7 दिन चाहिए इधर कैद होने के लिए, 7 दिन के बाद ठीक इसी टाइम पर तुम इधर आना, मैं इस दरख्त के पास कैद हो जाऊँगा। इन 7 दिनों में उस देव ने बहुत ज़्यादा तबाही की। वो किसी के कब्ज़े में नहीं आ रहा था। एक लड़की जो कि उसी गांव की अपनी छत पे खड़ी कुछ कर रही थी कि अचानक से उसे किसी चीज़ ने इतना ज़ोरदार धक्का दिया वो नीचे गिरी और उसकी टांगें टूट गई। इसी तरह गांव में बहुत ज़्यादा 7 दिन में नुकसान हुए और वो अल्लाह वाले दोबारा 7 दिन के बाद आए और उन्होंने बहुत मुश्किल से उस देव को उस दरख्त के ऊपर कैद कर दिया। जैसे ही उसके ऊपर उसको कैद किया तो उस देव ने कहा कि अब इस दरख्त के ऊपर एक बहुत बड़ी लोहे की प्लेट और उसको रस्सी के साथ इस दरख्त के ऊपर बांध दो। गांव में कोई भी शादी होगी या कोई भी बकरा या गाय को ज़िबा करेगा तो सबसे पहले मेरा हिस्सा आएगा। अगर तुम लोग मुझे मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो मैं अपना हिस्सा लेना जानता हूँ। वो देव उस दरख्त के ऊपर कैद हो गया। अब गांव वाले जब भी कोई शादी करते, कोई तकरीब करते या कुछ भी होता गांव में, तो सबसे पहले उस देव का हिस्सा उस प्लेट में लाकर रख देते। जो लोग भूल जाते कि हमने उधर उस गोश्त को या किसी भी चीज़ को उधर रखना है, उनके साथ ये होता कि उनका कोई ना कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। कभी माल मवेशी मरे पड़े होते और कभी गाँव उसी घर के किसी शख्स के साथ कुछ ऐसा होता कि वो चलने फिरने से आवाज़ार हो जाता। गांव वालों ने इस चीज़ को अपना मामूल बना लिया और जो भी उस दरख्त के पास से गुज़रता उसको बहुत अजीब और ख़तरनाक आवाज़ें आती। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, इमरान बताते हैं कि अभी तक उस दरख्त के ऊपर वो बड़ी लोहे की प्लेट रस्सी के साथ लटक रही है, उसको किसी ने भी नहीं उतारा और अभी भी वो दरबार उधर ही मौजूद है। लेकिन इमरान बताते हैं कि मैं उस जगह की निशानदेही नहीं करूँगा। और जो लोग रात के टाइम उधर से गुजरते हैं तो उस दरख्त में से 2 सुरख लाल आंखें चमकती हुई उन्हें ज़रूर नज़र आती हैं। और जो दरख्त के नीचे आकर बैठता है उनको बकायदा वो देव इतना मारता है, और कई लोगों को अभी तक उसका इतना गहरा असर है कि कई लोगों को दौरे पड़ने लग जाते हैं।
और वो जो अल्लाह वाले जिनका वो दरबार है वो अभी भी उधर मदफन है, और जब तक ये दुनिया रहेगी वो तो उधर ही मदफन रहेंगे और वो दियो उधर से नहीं जाएगा। उसका बसेरा अभी भी उस गांव में है, उस गांव की आबादी अब बहुत कम है, बहुत कम लोग उधर रह गए हैं, लेकिन वो दियो अपना हिस्सा नहीं छोड़ता, वो अपना हिस्सा लेकर रहता है। इमरान बताते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी का सच्चा खौफनाक वाकया है जो कि इंडिया लखनऊ से उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। थैंक यू इमरान। ये नेक्स्ट स्टोरी भी इमरान ने ही हमारे साथ शेयर किया। इमरान बताते हैं कि लखनऊ में एक स्कूल है जिसके बारे में ये मशहूर है कि वहाँ पर रात के टाइम जन्नात की बारात आती है और खूब ढोल बजाने की आवाज़ें आती हैं, इतने मज़ेदार खानों की खुशबुएं आती हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। कोई स्कूल के पास से गुज़रे तो बाकायदा ऐसे लगता है कि अंदर बहुत ज़्यादा देगों का अहतमाम किया गया है और लोग उनकी खुशबू को वाज़े महसूस करते हैं। वो स्कूल बिल्कुल, इमरान बताते हैं कि हम लोगों के घर के करीब है। लोग बाकायदा उस जगह को जाकर देखते हैं और कई दफ़ा उधर से ढोल बजने की भी आवाज़ें आती हैं। जब लोग करीब जाते हैं तो आवाज़ें बंद हो जाती हैं। स्कूल बहुत ज़्यादा पुराना है और उस स्कूल में कोई भी नहीं जाता, काफ़ी तोड़ फोड़ का शिकार है वो स्कूल। इमरान बताते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी के सच्चे खौफनाक वाक़े थे जिन्होंने हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू इमरान शाह, आपने इंडिया लखनऊ से हमारे साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर की, हमें बहुत अच्छा लगा है। और इसी तरह आप अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करते रहा करें, हम आपकी स्टोरीज़ बाय नेम ज़रूर ऑन एयर किया करेंगे। थैंक यू। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर किया फ्रिया ने मुल्तान से। फ्रिया कहती हैं कि उनके इलाके में एक बहुत अजीबोगरीब वाकया पेश आया जो कि सुनने वाले हैरान रह जाएंगे। उधर उनके घर के पास एक बच्चा रहता था जिसने एक डॉग को पाला हुआ था। वो अपने डॉग के साथ इतना अटैच था कि वो जिधर किधर भी जाता था अपने डॉग के साथ ही रहता था। वो कहती हैं कि एक दिन वो अपने डॉग के साथ अपनी ज़मीनों पर गया हुआ था और उसके डॉग का जो कलर था सेम उसी कलर का एक डॉग उनके सामने आया। उस बच्चे का नाम बिलावल था और बिलावल ने समझा कि ये उन्हीं का डॉग है। वो जल्दी से अपने डॉग की तरफ गए और उसको अपने गले से लगाया। जैसे ही बिलावल ने उसको अपने गले से लगाया तो पीछे करने लगा तो वो जो डॉग था उसने बिलावल के दोनों होंठों पर इतना ज़ोर से काटा कि उसके दोनों होंठों को एक दूसरे से अलग कर दिया। बिलावल के चीखो पुकार की आवाज़ें सारे इलाके ने सुनी, सब इकट्ठे हो गए। जब आए तो उन्होंने उस कुत्ते को देखा जो कि बिलावल के पास खड़ा हुआ था। उसके मुंह में बिलावल के दोनों होंठ थे और वो बच्चा ऊंचा ऊंचा चीख रहा था, उसके दांत बाहर आ चुके थे। वाकया इतना अजीबोगरीब था कि समझ से बाहर था कि आखिर ये क्या हुआ है, कोई इतना जालिम किस तरह हो सकता है और किस तरह एक बच्चे के उसने होंठ काट लिए बाकायदा। उस डॉग को सबने अपनी आंखों से देखा और वो जो कि थी उधर फसलें बनी हुई थी उधर जाकर उन फसलों के अंदर कहीं गायब हो गया। उसको चीखते पीटते हुए उसको सब उसके घर वाले जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि किसी बीमार डॉग ने इसको काट लिया है। वो बहुत हैरान हुए और उसके जो जिस्म की हालत थी वो कहती हैं कि वो बहुत अजीबोगरीब हो गई। लगता नहीं था कि किसी डॉग ने उसको काटा हो, यूं ही लगता था कि किसी पुरसरार मखलूक के ज़ेर साया वो आ चुका है। वो कहती हैं कि उसके बाद उस बच्चे बिलावल की इतनी बुरी हालत हो गई कि उसके मुंह से बकायदा झाग गिरती थी और वो जैसे कि डॉग बोलते हैं इसी तरह उसने बोलना शुरू कर दिया। सारे बहुत हैरान होते थे, वो इंसानों की तरह नहीं बोलता था, वो इस तरह प्रिटेंड करता था जैसे डॉग बार्किंग करता है। उसकी आवाज़ें सुन के सब बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होते थे कि आखिर क्या मखलूक है जिसने इसको काट लिया है। जब भी उसको नहलाने धुलाने के लिए बाहर लाया जाता था तो वो पानी को देख कर ऊँचा ऊँचा बार्किंग करने लगता था और ऐसे महसूस होता था कि जैसे कोई डॉग मतलब कि अपनी आवाज़ निकाल रहा है। उसके माँ बाप बहुत परेशान होते थे और उसको बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगते थे। डॉक्टर्स कहते थे कि इसके बचने के चांस बहुत कम हैं, इसके जिस्म में इतनी तब्दीली पेश आ रही है कि यूँ महसूस होता है कि किसी पागल कुत्ते ने इसको काट लिया है। खैर इधर तक तो बात ठीक थी कि अगर किसी पागल कुत्ते ने उसको काट भी लिया है तो इस तरह की जो आगे उसके साथ हालात पेश आए वो कैसे हो सकता है। उसके मुंह में से झाग गिरती थी और इतनी झाग गिरती थी कि उसका पूरे कपड़े भर जाते थे।
उसको एक अंधेरे वाले कमरे में बंद किया होता था और उस कमरे के अंदर एक चादर डाली हुई होती थी। और एक दिन हैरानगी की कोई इंतहा बाकी नहीं रह गई। जो बिलावल की मदर थी वो चीखती चिल्लाती सारे मोहल्ले के पास गई और कहने लगी कि देखो अंदर कमरे में क्या माजरा पेश आया है। उन्होंने जब देखा जो बिलावल के कपड़े थे जिनके ऊपर झाग गिरती थी, उनकी मदर ने कहा कि ये रात को मैंने इसके बदल कर इधर ही साइड पे रख दिए थे। सुबह जब उसको खाना देने के लिए वो अंदर गई तो उन कपड़ों के अंदर जिनके ऊपर झाग गिरी हुई थी ढेर सारे कुत्ते के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो थे। सबकी हैरानगी की कोई इंतहा बाकी नहीं रही थी। अगर किसी कुत्ते ने उनको काट भी लिया है, अगर वो कोई दीवाना पागल था कुत्ता, तो ये कुत्ते के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो कहाँ से आए हैं। बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि देखने वाले हैरान रह गए। फ्रिया कहती हैं कि ये सारा वाक्या मेरी मदर ने अपनी आंखों से देखा। लोग बहुत हैरान हुए और उस दिन बिलावल की हालत वो कहती हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो उसके घर वाले उसको डॉक्टर के पास ले जाने लगे। वो कहते हैं कि रास्ते में एक नहर आई और उसको जब ले जाया गया तो जब एक नहर रास्ते में आई तो उसने उस दिन पहली दफ़ा इंसानों की तरह बात की और कहा कि इधर ही गाड़ी को रोक दो। उसने गाड़ी को रोका और नहर के नीचे झांकने लगा। उसने झांक कर आखिरी अल्फाज ये बोले, वो देखो वो नीचे खड़ी हुई है और वो मेरा इंतज़ार कर रही है। इसी के साथ उसने डॉग की तरह भौंकना शुरू कर दिया है, कुत्ते की तरह। वो बहुत ऊंचा ऐसे मतलब प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे सही वो कोई डॉग है, कोई कुत्ता है, कोई इंसान नहीं है। और उसके बाद वो गाड़ी में आकर बैठा और उसकी आंखों के ऊपर एक इतनी खौफनाक चमक पड़ी जिसकी चमक से सब डर गए। और कुछ देर के बाद रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया और वो मर गया बच्चा। उसकी जब तदफीन के लिए उसको ले जाया गया, जो उसके बाकी कपड़ों को उतारा गया तो उनमें से भी कुत्ते के बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। जो जिन कपड़ों के ऊपर झाग गिरी हुई थी उन कपड़ों में कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे बने हुए थे। ये वाकया सबने अपनी आंखों से देखा और ये वाकया क्या था कोई नहीं जान सका आज तक। वो क्या पुरसरार मखलूक थी जिसने उसको काट लिया और उसकी ज़िंदगी को मौत के दहाने तक ले गई। लिसनर्स, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। पेट पालने का बच्चों को बहुत शौक होता है, लेकिन खुदारा ये फिर भी जानवर होते हैं और इनके रूप में भी कई चीज़ें आ जाती हैं। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि कभी भी अपने बच्चों को इन पेट्स का आदि मत करें। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, जानलेवा हद तक ख़तरनाक होती हैं। और एक दफ़ा जब नुकसान हो जाए तो बाकी कुछ भी नहीं रहता। इसलिए कोशिश कीजिए अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ों की आदत डालें। ऐसे पेट्स को पालने का बिल्कुल भी बच्चों में शौक़ पैदा मत होने दें। उनको इस शौक़ की तरफ जाने ही मत दें, क्योंकि अगर बच्चों को तकलीफ़ हो तो माँ बाप को बहुत तकलीफ़ होती है और उनसे रिलेटेड जो भी लोग होते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। लिसनर्स, ये थी आज की स्टोरीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी हैं अपना फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और लिसनर्स, आज अच्छी बात शेयर की है हमारे साथ कामरान अहमद ने। कामरान बताते हैं कि किसी के ऊपर भी अगर सख्त से सख्त काला जादू हो जाए तो वो 100 दफ़ा सूरत नास और 100 दफ़ा सूरत फल्क और 100 दफ़ा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के पानी के ऊपर फूंके और उस पानी को पी ले। इस तरह मुसलसल वो एक माह तक करते रहें, इंशाल्लाह ताला जादू ख़त्म हो जाएगा। कामरान अहमद बताते हैं कि ये उनके साथ उनके एक बहुत बड़े पीर हैं जिन्होंने ये बात शेयर की है। थैंक यू कामरान, आपने बहुत अच्छी बात शेयर की, इससे लोगों का भला भी होगा और अगर लोग ऐसे करेंगे तो हम हर मुश्किल परेशानी से बचे रहेंगे। लिसनर्स, आप भी अपनी अच्छी बात हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। जितने लोग आपकी उस अच्छी आदत को अपनाएंगे आपको भी उसका सवाब मिलेगा और उस शख्स को भी उसका सवाब मिलेगा। लिसनर्स, मैं आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिए, क्योंकि मेरा गला अक्सर ख़राब रहता है, मैं आपके साथ स्टोरीज़ नहीं शेयर कर सकती और मैं अपने बाकी सभी सुनने वालों के साथ के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आप भी अपनी होस्ट के लिए बहुत सी दुआ किया करें। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा और अपने चैनल नीलम वॉइस ऑफिशियल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।